धार जिले के पीथमपुर नगर पालिका क्षेत्र में लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करने वालों पर वैधानिक कार्यवाही की गई। सागौर थाना प्रभारी राजेंद्र भदौरिया ने बताया कि लॉकडाउन का पालन नहीं करने वालों पर कड़ी वैधानिक कार्यवाही की गई, जो अभी जारी है। शनिवार एवं रविवार को सागौर में भी लॉकडाउन का पालन कराया जा रहा है। धार जिले में विगत दिनों से कोरोना वायरस लगातार अपने पैर पसार रहा है, जिसको जिला प्रशासन द्वारा रोकने के लिए निर्णय लिया गया, जिसमें आगामी दिनों में उत्सव और त्योहारों पर पूर्ण प्रतिबंधित लगा दिया गया है। शनिवार रविवार संपूर्ण लॉकडाउन से जिले की घोषणा कर धार कलेक्टर द्वारा की गई है। इसी कड़ी में शनिवार और रविवार को पीथमपुर नगर पालिका क्षेत्र के सागौर में लॉकडाउन रहेगा। दूध की दुकान सुबह 9 बजे तक खुली रहेगी, इसके बाद बंद हो जाएगी, लेकिन मेडिकल स्टोर पूरा दिन खुले रहेंगे। पीथमपुर से संजय सोनगरा की रिपोर्ट। आज जिला स्तर पर धार जिले में लॉकडाउन शनिवार और रविवार को रखा गया है, उसके तहत ही लॉकडाउन का और जो उसका उल्लंघन कर रहा है उसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई कर रहा है। जी, आपका नाम और पद? मेरा नाम राजेंद्र सिंह भदौरिया, थाना प्रभारी सागौर। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।